सांसद साक्षी महाराज ने आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है और इसी सांप्रदायिकता के कारण ही देश के दो टुकड़े हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी फूट डालो राज करो की नीति पर काम करती रही है। साक्षी महाराज आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रेवाड़ी पहुँचे थे, जहाँ पहुँचने पर बीजेपी जिला कार्यालय में उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि वे कभी टोपी तो कभी जनेऊ धारण करने में माहिर हो गए हैं। कपिल सिब्बल के बयान की भी देश में चहुओं निंदा हो रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। जहाँ तक गुजरात चुनावों का सवाल है तो वहाँ भी विकास के दम पर पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। उनाव निकाय चुनावों में हार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में पार्टी की कमी रही, जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा।